पॉपुलेशन भीलवाड़ा की और दुनिया में नाम कमा रखा है कि कार। अब कार कोई अच्छी चीज है? पॉल्यूशन है उसका, ठीक है जो चल रही है, पर मैं ये कहता हूं उसके वनस्पत भीलवाड़ा में आप देखें हड्डी जोड़ अस्पताल कितने परसेंटेज वाइज, वो क्यों है? अस्पताल बने वो तो ठीक है, उनकी बात है जो भी कुछ है या नहीं है, पर वो क्यों बने? क्योंकि वहां की जल में वायु में प्रदूषण पैदा कर दिया सिंथेटिक्स बाजार ने। सिंथेटिक्स बाजार ने जो जल में ये पानी में नदियों में ये छोड़ा है ना, उससे वो हड्डियां खराब हो गई है। दांत के और हड्डी के डॉक्टर भीलवाड़ा में काउंट करेंगे तो सबसे ज्यादा है। गिन लेना हॉस्पिटल, सर्वे करवाइए, कभी गिनवाइए कितने डॉक्टर है दांत के और कितने हड्डी के। वो क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि जो जल में ये कपड़े का केमिकल आ रहा है ना, उसको कोई सर यूरोप लंदन और अमेरिका अपने यहां कपड़ा बनाता है पर प्रोसेस नहीं करता है, केमिकल धोता नहीं है, क्योंकि उसका जल जो जमीन में और नदी में जाएगा कहीं ना कहीं जीव को नुकसान करेगा, या जल के जीव मारेगा या धरती के जीव मारेगा या धरती खराब करेगा, इसलिए इतने केमिकल। यहाँ तो केमिकल सब नदियों में ऐसे ही छोड़ देते हैं, दो दिन हल्ला होता है कोई राज नेता जाता है, तीसरे दिन वापस नदियों में पानी। अभी बरसात में दिखा होगा कितने नाले काले पीले हरे पानी निकले हुए, बोरिंग करते हैं तभी भी उसमें से पानी और ऐसा निकलता है। पहले कभी सुना था जब भीलवाड़ा में प्रोसेस हाउस नहीं थे, कपड़े की मंडी नहीं थी, कि ऐसा जल निकला? क्या इंडस्ट्री आने से आप खुश हैं? या अपनी जीवन देके इंडस्ट्री ले रहे हैं खाली? कितना पैसा लोगों में दे रहे हैं उनके? तो जब तक आप इस कुदरत के साथ नेचर के साथ अपने आप को बांधे नहीं रखेंगे तब तक शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा। नेचर के साथ बांधने के बाद भी खान पान क्रिया समय और संतुलन बनाना होगा। उसकी जैसे कहते हैं ना दवाई के बाद डॉक्टर जो लिखता है हमको, भाई इस चीज से परहेज करनी है, परहेज भी हमको करनी होगी। मैं तो बहुत बहुत साधुवाद हूँ हंसराज जी को कि पूरे विश्व में नाम किया भीलवाड़ा का आपने, जो एक ऐसे रोग को जिससे दुनिया त्रस्त है उसके ऊपर अभी तक तो रिसर्च कर रही है, जिससे कभी आज तक ये किसी डॉक्टर ने या किसी प्रोफेसर ने ये नहीं कहा कि हमने रिसर्च कर ली अब हमें इसको फाइनल दवाई दे रहे हैं। पर आप आज भी चैलेंज से करते हैं कि यदि मेरे दवा लेने के बाद खान पान और शुद्ध वातावरण में रहते हैं तो वो कैंसर का इलाज शत प्रतिशत स्वस्थ और ठीक हो सकता है। आपको अपने मन में आत्मबल और अति विश्वास की आवश्यकता है, अति विश्वास की आवश्यकता है। मैं खूब खूब साधुवाद माँ भगवती के चरणों में आपके लिए मंगल कामना। दवा लेना चाहे मत लेना नवग्रह आश्रम की, पर यहाँ आ जाना और अपने आप को दृढ़ संकल्प करके जाना। संकल्प एक विश्वास होता है, जैसे पंडितों को भी आप कोई पूजा करवाते हो तो नहीं करो, पूजा आप कर दे, सुपारी लेके संकल्प ले तो करे वो करे, भले हंसराज जी आप खाली संकल्प ले लो, हंसराज जी आप करो, हम आपके कहना मानेंगे, जो आप कहोगे वो करेंगे, आप निश्चित ही ठीक हो जाओगे, निश्चित ही ठीक हो जाओगे। ओम शांति।